पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालिफीन से फॉर्म 45 लाने की अपील करते हुए धांधली साबित होने पर नशिस्तें छोड़ने का वादा कर लिया है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर ने 3 मुकदमात में सजाओं को मजायका खेज करार दिया और पूछा कि क्या इन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की, क्या अवाम के जज्बात नहीं उभरे, क्या हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतशार पैदा करने के लिए नहीं थी। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इंतशार का रास्ता छोड़ने की भी अपील की। हम कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं अपनी शिकायतों के बावजूद, यही इल्तिजा यही गुजारिश हम दूसरी जमातों से करना चाहते हैं कि इंतशार का रास्ता रोका जाए। हक तलफी हुई है और जहाँ जहाँ हक तलफी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। जिस तरीके से 3 मुकदमात में सजाएँ दी गई हम उसे मजाक खेज कहते हैं, लेकिन क्या उन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की और क्या सजा देने वाले उस इनमें शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं, जज्बातियत को और इंतशार को बढ़ाया जाए। क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए। इन कोशिशों की हौसला शिकनी करें। फॉर्म 45 अगर आपके पास है तो उसको सामने लाएं, और अगर हमने कोई सीट ली है धांधली के जरिए फॉर्म 45 लेके आए, हम वहाँ से हटने को तैयार हैं और हम जो हैं वो उस सीट पर बाई इलेक्शन कराने को तैयार हैं।